इधर जमशेदपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने पोटका विधानसभा के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हाता में बैठक की। 7 जनवरी को चाईबासा में गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को कई तरह के दिशा निर्देश दिए गए। इस बैठक में पूर्व विधायक मेनका सरदार, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी, जिला अध्यक्ष गुंजन यादव, वरिष्ठ नेता जटाशंकर पांडे समेत पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं बैठक में 7 जनवरी को चाईबासा में गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम होने जा रहे, इसको लेकर तमाम तरह के दिशा निर्देश भी जारी किए गए। 7 जनवरी झारखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन, चाईबासा के लिए अति महत्वपूर्ण दिन। उस दिन देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में यहाँ पर आकर के यहाँ के कार्यकर्ताओं को, जनता को संबोधित करने वाले, और इस दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी उनके कार्यक्रमों को सफलता के लिए इस प्रकार की बैठक पर आए। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, इसने बार बार इस देश को तोड़ने का काम किया। देश की आजादी से लेकर के अब तक अलग आज जो कांग्रेस का जिस प्रकार से नौटंकी हो रही है, देखिए पिछले 3 साल में हेमंत सरकार ने राज्य को काफी पीछे ढकेल दिया है। अब पूर्वी सिंहभूम 4 झामुमो के विधायक हैं, लेकिन यहाँ सुखाड़ क्षेत्र घोषित नहीं हुआ। ये किसानों के प्रति संवेदनहीनता का परिचायक है। हेमंत सोरेन जी ने कहा था मुख्यमंत्री बनते ही कि माननीय श्री हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि हम प्रतिवर्ष 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, महज 350 लोगों को रोजगार दिया।